बीना में भारत रिफाइनरी की सोडेक्सो कंपनी ने बिना किसी नोटिस के 47 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने विधायक के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल भारत ओमान रिफाइनरी के टाउनशिप में सोडेक्सो कंपनी ने करीब 47 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, जिससे कंपनी में बरसों से काम कर रहे कर्मचारियों को अब रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। बिना नोटिस के निकाले जाने पर कर्मचारियों ने कंपनी पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं, जहां बाहरी कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी के दर्जनों कर्मचारियों ने विधायक महेश राय से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद विधायक सभी कर्मचारियों को लेकर तहसील पहुंचे और तहसीलदार संजय जैन से समस्या का निराकरण कराने की बात कही। सर, मेरे को 31 तारीख को बुलाया, 30 तारीख को कह रहे चंदन सिंह डागी ने, कह रहे अंदर आओ कमरे के, उन्होंने नोटिस पहुँचा दिया, ये साइन करो इसमें और गेट पर जमा करो, के लगे अब नहीं आना, के लगे अब के ट्रांसफ़र कर रहे तुम्हारा, मगर उन्होंने ट्रांसफ़र के पहले से सर देना था, ये 15 दिन पहले सर के ट्रांसफ़र कर रहे हैं तुम्हारा, उस जगह का नाम भी नहीं बताया कि कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जाओ तुम और हमारी जगह पे दूसरी लेडीज को रख लिया सर, अब हमारे सर छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। मैं बीना की रहने वाली हूँ, नई बस्ती, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी है 5 साल की, लड़का है 7 साल का, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रहते 4 बार से, मेरे को लॉकडाउन में बुलाया गया, मैं उसका जिसके कारण भी मैं जॉब पे पहुंची, मेरे को रखा, उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में मेरे से 14-14 घंटे जॉब करवाई, मैंने जॉब की, उसके बाद अभी 1 साल मैंने जॉब किया है, उसके बाद अचानक मैं हम लोग को कमरे में बुलाया सर ने, अचानक नाम लेके कि दीपा मैडम आप रुकना, सब लोगों को भगा दिया, हम अंदर गए, बोलने लगे एचआर सर थे, चंदन सर थे, बोलने लगे ये कागज़ है आप इस पर साइन कर दीजिए और गेट पास जमा कर दीजिए, मैंने बोला सर क्या बात है, तो बोलने लगे देखिए मैडम ब्यूरल का आदेश है, हम आपको जो ड्यूटी पे नहीं रख सकते, तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, कहीं आपको हटना पड़ेगा, नहीं हो गई तो मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। वो BORL के अंडर में एक सोडेक्सो कंपनी है, उसके कर्मचारी लोग आए थे, उनका कहना है कि हमें बगैर किसी सूचना के और बगैर किसी उसके और हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया है, 31 तारीख को हम लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कह दिया कि अब आपका काम नहीं है चले जाएं। उस संबंध में मैंने उस कंपनी के अधिकारी चंदन सिंह से मोबाइल पे बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि यह BORL के दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है और इनको पूर्व सूचना बराबर नोटिस दिया गया है और प्लानिंग के तहत जो कंपनी की पॉलिसी के तहत इनको कर्मचारी कम करने के लिए निर्देश जो आदेश उनको मिला वो